वंशपुरम जी डब्ल्यू बी सी भी जाना। आज हम देखेंगे फेस शिफ्ट किंग। फेस शिफ्ट किंग एक किंग टेक्निक है जिसमें फेज को यूज करते हुए मॉड्यूलेशन किया जाता है। इसमें हम पहले देखेंगे टू लेवल पीएस के, जिसको हम बीपीएस के यानी बाइनरी फेज शिफ्ट किंग से डिनोट करते हैं। इसको हम दो कैरियर वेव से रिप्रेजेंट करेंगे। एक है ए कॉस 2 पाई एफ सी टी, जो कि बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करेगी। दूसरी है ए कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस पाई, जो कि बाइनरी 0 से रिप्रेजेंट होगी। इसमें हम देखते हैं कि जो सेकंड वाला वेव फॉर्म है, यानी जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको 180 डिग्री यानी पाई से फेस शिफ्ट किया गया है। तो अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो कॉस थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस कॉस थीटा के इक्विवेलेंट होता है। तो इसको हम माइनस ए कॉस 2 पाई एफ सी टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो पहली वेव फॉर्म है और जो दूसरी वेव फॉर्म है, उसमें प्लस और माइनस का रिप्रेजेंटेशन है, यानी सेकेंड वेव फॉर्म इसकी इन्वर्टेड वेव फॉर्म है। तो इसको हम बाईपोलर एनकोडिंग से यूज़ कर सकते हैं। फेज शिफ्ट किंग में हम जो कैरियर सिग्नल है उसकी फेज को चेंज करके मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये एएसके की तुलना में बहुत ज़्यादा एरर नहीं देती है। इसकी जो एरर रेट है वो बाकी दो टेक्निक्स यानी एएसके और एफएसके में सबसे बेटर है। यानी ये नॉइज़ से बहुत कम इफेक्ट होती है, क्योंकि इसमें जो नॉइज़ है वो मोस्टली एम्पलीट्यूड में ऐड होती है। फेज में नॉइज़ ऐड होने का चांस काफ़ी कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी वेव फॉर्म्स। जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें भी हमने सीक्वेंस ली है 1 0 1 1 0। जहाँ पे 1 ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम सिंपल फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी सिंपल साइन वेव से हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे 0 ट्रांसमिट हो रहा है, वहाँ पे इसको 180 डिग्री फेज शिफ्ट, या हम कह सकते हैं कि इसकी इन्वर्टेड फॉर्म। जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो 0 ट्रांसमिट हो रहा है वो 1 से बिल्कुल इन्वर्टेड है। इसकी एक तरह से हम कह सकते हैं मिरर इमेज के फॉर्म में है, उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। जैसे ये 1 से 0 पे ट्रांजिट होगा या 0 से 1 पे ट्रांजिट होगा, तब इसकी फेज चेंज हो जाएगी। तो इसको फेज शिफ्ट किंग से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक मल्टीप्लायर का यूज़ किया गया है, जैसा कि एएसके में है सेम सेटअप इसमें भी यूज़ किया जाता है। मल्टीप्लायर के दो इनपुट्स, एक पे ऑसिलेटर से कैरियर वेव अप्लाई की जाती है और दूसरी पे बाइनरी सीक्वेंस अप्लाई की जाती है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो एएसके था वो यूनिपोलर एनकोडिंग में था और पीएसके में हम बाईपोलर एनकोडिंग यूज़ में लेंगे। यानी 0 को हम -1 से डिनोट करेंगे। जब भी ये मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे ये 1 से मल्टीप्लाई होता है तब सेम वेव रेप्लिकेट हो जाएगी, और अगर -1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो इन्वर्ट हो जाएगी, यानी इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम पीएसके को जनरेट कर सकते हैं। ये था बीपीएसके के बारे में। थैंक यू।